हजार मोमिन जितने भी मोमिन बंदे हाजिर है या तो जितने भी मोमिन बंदा हमारे सख्त सगायर कबायर गुनाह के नबी करीम के वसीले में पंजतन पाक से माफ फरमा दे। हमारे सबके छोटे मोटे हर गुनाह पंजतन पाक से माफ फरमा दे। हमारी जाहिर बातिन खताए लगी से कुल औलिया कुल अंबिया के वसीले में सरकार के बड़ा पीर मुर्शिद से माफ फरमा दे। ऐ मौला हमारे दिल की तकदीर से गुनाहों के दाग धो दे, दिल की गुनाहों की स्याही को मिटा दे मौला। हमारे दिल का आईने को साफ और शफ़ूफ़ फरमा, इश्क़ इलाही सीने में भर दे मौला, इसके हम सीने को शरशार फरमा, इसके औलिया सीने में भर दे, औलिया दीन के नक्शे कदम चलने की तौफीक नसीब मौला। ऐ मौला करीम हम गुनहगार मोमिन बंदो को नेक अमल अता फरमा, अमल स्वाद के दौलत से हमारी जिंदगी के राहों को रोशन फरमा, ईमान के नूर से हमारे कलों को मुनव्वर फरमा, हम सबको दीनदार बना दे, ईमानदार बना दे, पाक बना दे, परहेजगार बना दे। ऐ मौला के मोमिन बंदो की दीन दुनिया आबाद फरमा, हमारी कौम पर पूरे आलम इस्लाम में बेचैनी बेशौरी बेपरेशानी है मौला, ना जगह जगह हमारे पर तकलीफें हो जाती है, मखसूस कश्मीर में है, पैलेस्टाइन सीरिया जगह जगह हमारी माँ बहन बेटियों के इस नाजुक दौर में जान माल ईमान इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमा। मौला हमारी बेटियों में जो इबादत की कमी खामी होती है, नमाज की कमी खामी होती है, मौला के मैंने तौफीक अता फरमा, तेरी बारगाह में सच्चे दिल सर को झुका दे, नमाज के बाद घर के छोटे मोटे काम करें, जब नमाज का वक्त आ जाए नमाज अजान के साथ पहले शुरुआत में नमाज अदा कर ले, फिर अपने घर के काम में खो जाए, बरकत वाले कदम लेके माँ बहन घर में फिरेगी, अल्लाह रहमत है बरकत उस घर में नाजिर फरमाता, इसके बच्चे दीनदार ईमानदार बनाएगा। अभी आते आते वरा समी से उस इस्माइल जर्मन आए थे, आते आते रास्ते में इनके घर से बच्चा सलाम करने के लिए आया, इसके दादी पीछे से इशारा करते कहा सलाम, इशारा करती है इसको, बच्चे को ऐसी तालीम दो नमाज की तालीम दो सरकार। मैंने बोला मुझको बेटा तू नमाज पढ़ता है तो जरा बच्चा खामोश अब नमाज पढ़ेगा, हाँ बाबा। इसकी दादी ने पीछे आमीन बोला, ये माए हमारे घर में होनी चाहिए जो अपने अपने बच्चों को खुदा के घर के तरफ भेजने की कोशिश करे, और इनकी हर कोई माँ की माँ सब टीचरों से बढ़ के सबसे बड़ी टीचर माँ होती है। पीरान पीर दस्तगीर की माँ की तालीम थी जो जमाने में पीरान पीर दस्तगीर बन के चमके है, गरीब नवाज की माँ फरमाते थे मौला करीम मैंने मेरा हक माफ़ कर दिया, मेरा बेटा तेरा हक अदा करे। महबूबा निज़ामुद्दीन की औलिया की माँ अपने बच्चों को तालीम और तरबियत के लिए सैयदा बेवा सैयदा बदई उनसे दहली तक पहुँचे और बच्चे को तालीम और तरबियत के लिए भेजे, और माँ ने बताया कि बेटा आज अल्लाह के मेहमान है, माँ अल्लाह का मेहमान कैसा होता है, तो बताया कि बेटा जिसके घर में कुछ खाना पीना नहीं होता तो माँ तो फिर क्या करता है, खुदा इनको खाना खिलाता है, हाँ बेटा जब तुम्हारा दारुल उलूम जो मदरसा जिस तरह स्कूलें चलती है दोपहर को खाने के लिए छूटो तो सबसे अलग हो जाना और आँख बंद करके कर दिल की तरह तवज्जो करना, दिल भरा भरा होगा, तस्कीन महसूस होगी, कि माँ की तालीम थी। आप बड़ी उम्र फरमाते कि मेरे मैं ये इंतज़ार करता रहता कब मेरी माँ से भूखी से मुँह से निकले आज अल्लाह के मेहमान। ये माओं की तालीम है जो महबूब इलाही बन के चमके हैं, सारे हिंदुस्तान एशिया खंड में जिनका नाम रोशन है, फरीदुद्दीन गंजे के गंजे शकर की माँ का वालिदा का वाक्य मशहूर आम है कि जो शकर छुपाया करते थे मस्जिद इसके अंदर मुसल्ले के नीचे कि मीठी चीज़ की लालच में बच्चा नमाज पढ़े, और एक दिन ऐसा वाक्य को माँ भूल गए, इसके बाद क्या हो हर आदमी जानता है, फिर खुदा ने संदेश बताया कि मौला मौला आज तेरी बंदी के लाज तेरे हाथ है मौला, अब तू करम कर दे मेरी, नहीं तो बच्चे की तवज्जो ऐसा कि मौला करीम यकीन टूट जाएगा, भरोसा छूट जाएगा कि अल्लाह तो कुछ नहीं देता, मेरी माँ भेजा कर रखा करती है मुसल्ले के नीचे, आज तेरी महबूब तेरी गुनहगार बंदी की लाज रख ली, मौला ने करम करके इनके मुसल्ले के नीचे शक्कर निकली, आगे जाके माँ की दुआ से गंजे शक्कर बने हैं। ऐसी माँ हर माँ वो होती है जो अपने बच्चे को चाहे वली बना सके और वली ना बना सके गलत लाड़ का और गलत बातों को कोसेगी तो शैतान बनेगा, फिर माँ दुआ करो मेरा बच्चा नेक बने, फरियाद करने का। माँ के हाथ में अल्लाह ने संसार माँ को दिया है, मर्द को नहीं दिया, औलाद भी माँ को देता है अल्लाह, और तालीम और तरबियत जिम्मेदारी माँ की, अगर माँ हमारी माँ सही माँ मानो मोमिन बंदी बन जाए सिरातन हकदार बन जाए तो उसके घर में हर जगह लाल नेक बनेंगे, दीनदार बनेगी, ईमानदार बनेंगे, तकवा परस बनेंगे, इनकी दुनिया और सभी इल्म दीन इल्म दुनिया की दौलत से माँ की कोशिश और काविश से इल्म दीन इन दुनिया बच्चा बड़ा नाम पर होगा। ऐ मौला के ऐसे मोमिन बंदे घर घर पैदा कर दे, ऐसी माओं को घर घर जन्म दे ताकि दीन की
طرف مائل ہوں بچوں کے علم دین علم دنیا کی دولت سے کوشش کرا ماں پر کام یہ مولا تو فرما دے مولا کریم اس مجمع پاک کے در میں گنہ گار مومن بندی کی مومن گنہ گار دعا کے گنہ گار بندی کی دعا تیرے حبیب کریم کے سلی پن جتن پاک قبول فرما لے مولا حاضر ملے اور جتنے بھی جتنا حاضر مومن بندے ہیں سب کو صراط مستقیم بنا دے ہم سب کو پاک اور پرہیزگار بنا دے نیک اور نمازی بنا دے ہمارے جتنے بھی حاضرین دنیا اور آخرت سوا دے ہم سب کو عزت ایماندار میں شمار فرما لے ہمارے بال بچوں کے علم دین میں دنیا علم دنیا کے دولت سے مالا مال فرما نازک دور میں ہماری پوری قوم کی جان مال ایمان عزت آبروی حفاظت فرما خدا بندہ نواز بنے مجلس پاک کے